नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पर चकबंदी लेखपाल भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे इस संबंध में क्या अपडेट आई है, और जैसे कि OBC वाली प्रॉब्लम भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, और इस संबंध में यहाँ पर आखिर क्या अहम फैसले लिए गए, तो आइए जानते हैं इस संबंध में। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आपको हर छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे और आप लोग एक एक बात से दोस्तों अप टू डेट बने रहें। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर OBC के निर्धारित पदों से ज़्यादा की गई थी भर्तियाँ। तो इस बार दोस्तों जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें OBC के पद बिल्कुल जीरो थे। तो ऐसा क्यों था, क्या कारण था? तो दोस्तों, ये मेन कारण जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी इस संबंध में दोस्तों यहाँ पर यही अपडेट आ रही है कि OBC के निर्धारित पदों से ज़्यादा की गई थी भर्तियाँ। ठीक है, चकबंदी लेखपाल भर्ती जो है धांधली का मामला। और आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष व सचिव समेत अन्य पर यहां पर FIR दर्ज की गई है। तो देखिए, यहां पर आपको दिया गया है कि वर्ष 2015 और 16 में तत्कालीन अखिलेश सरकार में चकबंदी लेखपालों के खाली पड़े जो 2831 पद थे, इन पदों को भरने का जो आप लोग का अधियाचन है, ये चकबंदी निदेशालय से आयोग को भेजा गया था। आयोग को 1901 सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के अनुसूचित जाति के यहाँ पर 50, अनुसूचित यहाँ पर जनजाति यानी कि ST के 63 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के यहाँ पर 769 अभ्यर्थियों का चयन करना था। आयोग ने यहाँ पर 2783 अभ्यर्थियों का चयन कर 12 सितंबर 2016 को कवरिंग लेटर के साथ संबंधित सूची चकबंदी आयुक्त को भेज दी। इसमें सामान्य वर्ग के 1901 के बजाय 920, SC के 50 के स्थान पर 104, ST के 64 के स्थान पर 65 और OBC के, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 769 पदों के अधियाचन पर 1694। जी हाँ दोस्तों, 769 पदों के अधियाचन पर यहाँ पर 1694 अभ्यर्थियों के चयन की सूची उपलब्ध कराई गई थी। OBC के कहीं अधिक चयनित 925 अभ्यर्थियों में ज़्यादातर जो थे इसी जाति विशेष के थे। तो इस मामले में मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सचिव के साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, सपा शासन में चकबंदी लेख भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में यूपी ट्रिपल एससी के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राजकिशोर यादव, आपके सदस्य सुरेश चंद्र यादव, डॉक्टर बबीता देवी लाठर, अब्दुल गनी, केशव राम, बिना श्रीवास्तव, ये जितने भी नाम हैं इन सभी के खिलाफ जो है हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। और आपको बता दें, उच्च स्तरीय जाँच में विभागीय अफसरों के साथ ही आयोग को ही भर्तियों में यहाँ पर अनियमितता का दोषी पाया गया था। इस मामले में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सचिव के साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ साजिश के तहत आपराधिक कृत्य के लिए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो यह है मामला, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 2015 में जो आप लोग के इतनी इतनी वैकेंसी आई थी और उस पर यहाँ पर उससे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया। तो दोस्तों, इसी के लिए यहाँ पर 2783 अभ्यर्थियों का चयन कर 12 सितंबर 2016 को कवरिंग लेटर के साथ संबंधित सूची जो थी चकबंदी आयुक्त को भेज दी। और इसमें सामान्य वर्ग के 1901 के बजाय यहाँ पर 920 सिर्फ, ठीक है, 1901 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 920, SC के 50 के स्थान पर 104, ST में 64 के स्थान पर 65 और इधर 769 पदों की जगह पर 1694 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। तो फिलहाल अभी तो आप लोग का यही इतना ही अपडेट आई है, और जैसे ही संबंध में कोई अपडेट आती है और जब तक दोस्तों ये आप लोग का मामला दोस्तों सुलझ नहीं जाता है, तब तक दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी पर भी रोक लगी हुई है। जो भी फिलहाल अपडेट आएगी तो आपको तुरंत अप टू डेट किया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए अपने चैनल BSE ट्रिकी क्लासेस पर। फिर मिलते हैं दोस्तों, जैसे इस संबंध में कोई अदर अपडेट आएगी तो आपको तुरंत अप टू डेट किया जाएगा। तो पल पल के दोस्तों इससे जुड़े हुई सारी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए BSE ट्रिकी क्लासेस को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।